तो जैसा कि आपको पता है हमारे ओडिन बाबा आ रहे हैं चमचमाते हुए घोड़े पे सवार होके अपना आर्मरी पहन के और थोड़ का हथौड़ा लेके। यस, ये मैदान में उतर गए हैं, युद्ध के मैदान में उतर गए हैं। अब इनके ऊपर हमें कब्जा करना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही खतरनाक वाले सिपाही हैं और ये हमारे अकाउंट के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इनको अपने बस में कैसे करना है, यानी कि हाउ टू गेट ओडिन। तो चलो फटाफट से कार्यक्रम शुरू करते हैं और देखते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है और इनका बायोमेट्रिक हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ये कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ पे इनका डिटेल देखोगे, यहाँ पे आप देखो ये है यूनिवर्सल एलियन मेल सुपर हीरो ऑर्डर वाले, ठीक है, मतलब इनका इंस्टिंक्ट है ऑर्डर का। अब ये जो कैटेगरी है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका ABX और ABL में यूज होने वाला है, ठीक है। ये देखो अभी तक थॉर यूज हो रहा है ABL में इसी सेम कैटेगरी के साथ में, और ABX में भी यूज होते हैं यूनिवर्सल वाले दिनों में, तो ABX और ABL में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। बाकी देखो यूनिवर्सल टाइप का कैरेक्टर है तो आपको कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, किसी भी ओल्ड बॉस में खेलो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक मेफिस्टो में खेलो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, या फिर और भी ओल्ड बॉस में खेलोगे तो वहाँ पे तो वैसे भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और अगर आप GBR खेलते हो तो आपको डेली कंसिस्टेंट डैमेज मिलेगा, मतलब ऐसा देखो GBR डोरमामू चेंज होता रहता है, उसका टाइप चेंज होता रहता है, कभी ब्लास्ट आ गया, कभी कम्बेट आ गया, कभी यूनिवर्सल आ गया। तो आपके पास अगर यूनिवर्सल कैरेक्टर रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो टाइप वाले सिस्टम में इंक्रीज नॉर्मल डैमेज टू कम्बेट टाइप, इंक्रीज नॉर्मल डैमेज टू ब्लास्ट टाइप एंड इंक्रीज नॉर्मल डैमेज टू स्पीड टाइप। तो मतलब ये सारे के सारे टाइप के कैरेक्टरों को डैमेज इंक्रीज करके ही देंगे, डैमेज डिक्रीज यानी कि डैमेज रिडक्शन वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो यस, एक कंसिस्टेंट डैमेज देने वाला है GBR में। अब हम इनके स्किल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका स्किल वगैरह में क्या है वो हम देख लेते हैं। तो गाइज अगर हम पहले यहाँ पे टीयर टू पैसिव देखें तो यहाँ पे देखो लिखा है इम्यूनिटी टू कैंसिल इफेक्ट, इसका मतलब ये होता है कि आप ओडिन चचा को ओडिन फोर्स यूज करने से नहीं रोक सकते क्योंकि वो उनकी खानदानी पावर है। कुछ समझ में आया नहीं आया? मतलब ये होता है कि आप इनके स्किल को कैंसिल नहीं कर सकते, इनके स्किल के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। लाइक देखो जैसे काफ़ी लोगों के पास होता है ना, काफ़ी कैरेक्टर के पास होता है लाइक रिमूव ऑल डिबॉफ, रिमूव एक्टिव बॉफ, ऐसा करके इफेक्ट होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थेनोस में शायद है कहीं पे। यहाँ पे आप देखो जैसे कि ये थेनोस वाले में है ना, रिमूव एक्टिव बॉफ फ्रॉम टारगेट, तो ये वाला सिस्टम जो ये वाला रिमूव एक्टिव बॉफ, रिमूव डिबॉफ, ऑल डिबॉफ, ये वो करके जो इफेक्ट होता है ना, वो ओडिन पे काम नहीं करेगा। ये स्किल समझ लो काम नहीं करेंगे, ओडिन का स्किल का इफेक्ट कैंसिल नहीं होगा। ये टू स्किल में इतना पावर है और ये कितना खतरनाक है, ये टाइम लाइन बैटल जब आप खेलोगे ना तो आपको पता चलेगा भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और बाकी नीचे यहाँ पे देखो इंक्रीज स्किल डैमेज बाय 60%, बहुत कम कैरेक्टरों के पास होता है ऐसा 60% वाला इफेक्ट। लाइक चाहे किसी भी कैरेक्टर का आप उठा के देख लो, यहाँ पे थेनोस का ही देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इसमें क्या है, इंक्रीज स्किल डैमेज बाय 32%, ओनली 32% का है इसका, और ओडिन का कितना है 60%। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किल के इफेक्ट को, स्किल के डैमेज को बढ़ा देता है। अब देखो इसके स्किल में क्या है, मैं आपको स्किल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ब्लेड वगैरह है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बैरियर है फोर टाइम का तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें मूवमेंट है सेकंड स्किल में तो GBR में काम आएगा अगर ये कंटिन्यू रहा, अगर नए यूनिफॉर्म में भी ऐसा कुछ रहा मूवमेंट वाला सिस्टम। अब देखो थर्ड स्किल में इनके पास में है समन है, वो ऊपर से चील कौए आते हैं ना वो वाला है, और उसके बाद में एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेशन मतलब डैमेज देने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब अगर आपको एक PvE कैरेक्टर बनाना है सॉलिड वाला तो एक्यूमुलेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे 1% का एक्यूमुलेशन है और वो भी वैन अटैकिंग वाला, तो आपको कैंसिल कर देना है 3 स्किल को, तुरंत हो जाएगा। मतलब अभी फिलहाल के कंडीशन में बता रहा हूँ जिस इस यूनिफॉर्म के साथ में यही हम करते हैं कि 3 स्किल को कैंसिल करके 5 डिले कैंसिल, उसके बाद में 4 यूज करते हैं, 4 पे प्रोक लाते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल करके फटाफट से दूसरे स्किल में जा सकते हो। और इसके 4 स्किल में अगर आप यहाँ पे देखो इग्नोर टारगेट डॉज रेट बाय 100%, इग्नोर डॉज है 100% का, देख रहे हो बहुत तगड़े लेवल का है ये, मतलब स्पाइडरमैन तो बाय बाय टाटा हो गया अगर इसको PvP बना दिया। या फिर अगर आप लेवल 70 पे खेलते हो तो नल में इग्नोर डॉज वाला स्ट्राइकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कैंग को, कैंग में भी देखो इग्नोर डॉज लगाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कैंग भी बहुत ज़्यादा डॉज करता है आपके अटैक को। तो अगर ये इफेक्ट रहा
मतलब नए वाले यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, अगर ये इफेक्ट नए वाले यूनिफॉर्म में भी रहा इग्नोर टारगेट डाज बाई 100%, तो भाई कैंग तो मक्खन की तरह मरेगा। मतलब कैंग में खेलने के लिए आसानी हो जाएगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो साइलेंस भी है एबीएक्स के लिए, ठीक है, एबीएक्स के लिए यहाँ पे देख सकते हो साइलेंस है 3 सेकंड के लिए। और 5 स्किल में यहाँ पे आप देख सकते हो बर्न भी है जो कि अगेन एबीएक्स में काम आएगा। और इनविंसिबिलिटी है, इंक्रीज ऑल अटैक ऑल डिफेंस का फ्रेंजी बॉफ है। बाकी एनर्जी डैमेज 138% ऑफ एनर्जी अटैक। और इसका स्किल जो है वो अभी फिलहाल के जो यूनिफॉर्म है, अभी ये वाला जो यूनिफॉर्म है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉक फ्रेंडली नहीं है। लाइक इसको रेस दे के खेलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब नया वाला यूनिफॉर्म कितना प्रॉक फ्रेंडली होगा वो देखने वाली बात है। बाकी अगर आप पैसिव देखोगे, इसका पैसिव डिक्रीज बेसिक डैमेज रिसीव बाय 30%। तो अगर ये लोग चाहें तो इसको पीवीपी के साइड में भी ले जा सकते हैं, पीवीपी भी बना सकते हैं, क्योंकि इसका लीडरशिप जो है ना वो पीवीपी वाला है। काइंड ऑफ मान लो कि ये पीवीपी में ज़्यादातर यूज होता है, हालांकि आप ओल्ड बॉस लेजेंड वगैरह में भी यूज कर सकते हो। रिमूव ऑल डिबफ मतलब वो आपको पकड़ उकड़ नहीं पाएंगे, लाइक मेफिस्टो आपको बाउंडर में फंसा देता है, स्टन कर देता है, तो वो सब नहीं कर पाएगा। और इंक्रीज आर रेसिस बाय 30% है। तो पीवीपी में अगर इसको बना देते हैं तो जिन ग्रे के खिलाफ भी ये अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि रेसिस्ट 30% का है। और जिन ग्रे है फायर डैमेज वाली कैरेक्टर, वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करेगा जिन ग्रे के खिलाफ। और हाँ, यूनिफॉर्म इफेक्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें चाइनीज डैमेज है 20% का, 20% मैक्सिमम लोगों का 15% 10% ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीज चाइनी डैमेज बाई 20% वैन अटैकिंग। अगर इसको प्रॉक फ्रेंडली बना देते हैं, थोड़े से भी प्रॉक फ्रेंडली बना देते हैं सीटीपी ऑफ एनर्जी के साथ में, तब इसका बहुत ज़्यादा चैनिट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी बनाते हैं, लाइक सीटीपी ऑफ रेज देना ही पड़ा, तो भी ये बहुत ज़्यादा काम तगड़ा कर सकता है, क्योंकि अगर रेज देना पड़ा तो एबीएल में रेज की ही रिक्वायरमेंट है, जीबीआर में रेज की ही रिक्वायरमेंट है। अगर हम इसको टीयर 4 कर लेंगे तो एबीएल भी बहुत अच्छे से होगा और जीबीआर बहुत अच्छे से हो सकता है, बहुत अच्छा काम कर सकता है। अब देखना यह है कि इसका डैमेज कितना होगा, इसको कैसे बनाएंगे, पीवीपी के लिए बनाएंगे या फिर पीवीई के लिए बनाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी कहीं पे भी ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि इसका यूनिफॉर्म 2500 क्रिस्टल में आएगा, स्पेशल यूनिफॉर्म होके आएगा, ठीक है। अभी जहाँ तक हमको लग रहा है 1500 क्रिस्टल में मिलने वाला है इसका यूनिफॉर्म, क्योंकि ये मेन अपडेट है, ये समर डे वाला स्पेशल अपडेट नहीं है। तो इसीलिए इस अपडेट का कोई भी यूनिफॉर्म समर डे सेल का नहीं होगा, समर डे वाला स्पेशल यूनिफॉर्म नहीं होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। बाकी देखते हैं मार्वल वाले क्या करते हैं। और ये एक नेटिव टीयर 2 कैरेक्टर है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से मिलता है और कैसे आप इसको ले सकते हो। तो देखो गाइस, यहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर कैन बी परचेज इन द शॉप। अभी आपको परचेज करना पड़ेगा, जब हम खेलते थे, जब हमने शुरू किया था ये गेम, तो ये फ्री में मिल रहा था। स्टोरी मोड का 12-5 हम कंप्लीट करते थे तो ओडिन का बायोमेट्रिक हमें फ्री में मिलता था, मतलब ओडिन अनलॉक होकर हमें फ्री में मिलता था नेटिव टीयर 2 1 स्टार का। अब देखो यहाँ पे आपको शॉप में जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा, मैं दूसरा अकाउंट स्विच करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो हम आ गए अपने नए अकाउंट में और यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे कैरेक्टर नहीं है, ओडिन भी नहीं है। तो ये रहा ओडिन, और जैसे ही आप स्टोर में जाओगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा ओडिन, और ओडिन को बाय करने के लिए आपको देने पड़ेंगे क्रिस्टल। यस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1 स्टार ओडिन खरीदने के लिए आपको पूरे देने हैं 1750 क्रिस्टल। लेकिन किंतु परंतु अभी आप इसको बाय मत करना, यस इसका अपडेट आ रहा है तो मैक्सिमम चांस है कि इसके ऊपर डिस्काउंट आए, इस वाले कैरेक्टर पर डिस्काउंट आए 20% 30%, कितना आएगा मुझे नहीं पता। ये कैरेक्टर आपको 1500 क्रिस्टल तक में मिल सकता है, हाँ मतलब पहले फ्री में मिलता था। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये नेटिव टीयर 2 कैरेक्टर है, तो इसको बिल्ड करना बहुत ही महंगा है, मतलब बहुत मटेरियल लेगा, लाइक बायोमेट्रिक वगैरह लेगा, ब्लैक एंटीमेटर, नॉन स्टोन, ये सब बहुत ज़्यादा लगेंगे और गोल्ड भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अभी प्लीज़ इसको बाय मत करना, जब अपडेट आ जाएगा हम इसको चेक कर लेंगे, इसको बाय करके इसका रिव्यू आपको मिल जाएगा। इसका यूनिफॉर्म हम बाय करेंगे, इसको बिल्ड करेंगे और इसका परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे अच्छा है बुरा है, लेने लायक है या नहीं है। क्योंकि देखो 3000 क्रिस्टल लगेगा इसके लिए, कम से कम मिनिमम मान के चलो 3000 क्रिस्टल देना पड़ेगा, तब जाके ओडिन आपके पास आएगा 1 स्टार विथ लेटेस्ट यूनिफॉर्म, और बाकी का गोल्ड वगैरह बिल्ड करने का मटेरियल अलग। तो बहुत ही ज़्यादा महंगा कैरेक्टर है, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, लेना है या नहीं है, वर्थ है या नहीं है, तब लेना आप। अभी फ़िलहाल कोई भी कुछ भी मत करना, अगर आपके पास ओडिन 1 स्टार पे पड़ा है तब भी बिल्ड मत करना, क्योंकि बिल्ड करना भी बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ही कॉस्टली कैरेक्टर है। तो अभी वैसे भी बिल्ड मत करना, चाहे भले ही आपके पास ओडिन हो, और अगर ओडिन नहीं है तो बिल्कुल भी बाय मत करना, ठीक है। यहाँ से बाय तो करना ही नहीं है क्रिस्टल देके।
देखो मैं भी इस अकाउंट में अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको खरीद वरीद नहीं रहा हूँ, ठीक है। जब अच्छा होगा बिल्ड करेंगे उसके बाद में देखेंगे इसको लेना है या नहीं लेना है। तो बस थोड़ा सा वेट करो, जैसे ही अपडेट आता है वेडनेसडे को अपडेट आएगा और अपडेट के बाद में आपको रिव्यू भी मिल जाएगा मेरे दूसरे वाले अकाउंट से। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो अगर वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो। और ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।